यूपी के अंदर मिली चुनावी हार के बाद आखिरकार अखिलेश यादव पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने चुनाव में आए नतीजों पर भी बात की। सुनिए उनका यह बयान। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है, या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज जो वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए, तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद अखिलेश यादव से मौजूदा दौर में जो फिल्म चर्चाओं का विषय बनी हुई है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। उस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया वह भी सुनिए। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। दरअसल अखिलेश यादव चुनावी नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए थे, जहां उन्होंने सीधा योगी सरकार पर तंज कसा और फिल्म को लेकर अपनी बात भी कही। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।